राज्यसभा में उठा गांधी परिवार की एसपी जी सुरक्षा का सवाल। आनंद शर्मा ने कहा, गंभीरता से सोचिए ये जिंदगी का मामला। बीजेपी का जवाब, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट पर लिया निर्णय। कांग्रेस का तर्क, यूपी ने नहीं हटाई थी अटल बिहारी की एसपीजी। गांधी परिवार की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस ने इसे एक अहम मुद्दा बनाकर राज्यसभा में भी उठा दिया। अभी हाल ही में गृह मंत्रालय की समीक्षा के बाद गांधी परिवार से जुड़े सदस्यों और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का एसपीजी सुरक्षा कवर हटाए जाने का फैसला लिया गया था, लेकिन उनकी सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं किया गया था और अब उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआरपीएफ के हवाले कर दी गई है। लेकिन कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने इस मुद्दे को राज्यसभा में उठाते हुए गांधी परिवार की एसपीजी सुरक्षा हटाए जाने पर सवाल खड़ा कर दिया। इस पर सत्तारूढ़ भाजपा की तरफ से जवाब भी दिया गया, लेकिन पहले उस तर्क की बात कर लेते हैं जो आनंद शर्मा ने गांधी परिवार और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की एसपीजी कवर हटाए जाने के विरोध में दिया है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर हमें राजनीति से ऊपर उठकर सोचना चाहिए, क्योंकि ये किसी की जिंदगी से जुड़ा मामला है। उन्होंने कहा कि मैं कोई पॉलिटिकल डिमांड नहीं उठा रहा हूं, बल्कि ये याद दिलाना चाहता हूं कि यूपीए की 10 साल की सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी की एसपीजी सिक्योरिटी से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई थी। शर्मा ने कहा कि सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से एसपीजी सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। मनमोहन सिंह 10 सालों तक प्रधानमंत्री रहे, वहीं सोनिया गांधी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बहू और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पत्नी है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि दोनों पूर्व प्रधानमंत्रियों की हत्या की गई थी, सरकार पर इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है। इस पर जवाब देते हुए भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जवाब दिया कि किसी राजनीतिक मंशा के साथ सिक्योरिटी कैटेगरी में बदलाव नहीं किया गया है। गृह मंत्रालय की सुरक्षा समीक्षा के बाद ही इस तरह के बदलाव किए गए हैं और इसी समीक्षा प्रक्रिया के तहत गांधी परिवार का सिक्योरिटी कवर बदला गया है। गांधी परिवार से एसपीजी सुरक्षा वापस ले जाने के विरोध में कांग्रेस सदस्यों ने मंगलवार को लोकसभा में भी हंगामा किया था। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही आरंभ होते ही कांग्रेस के सदस्य नारेबाजी करते हुए आसन के निकट पहुंच गए थे। इसके बाद डीएमके के सदस्य भी कांग्रेस के समर्थन में आसन के समीप पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। कांग्रेस और द्रमुक के सदस्यों ने बदले की राजनीति बंद करो, एसपीजी के साथ राजनीति करना बंद करो और वी वांट जस्टिस के नारे लगाए। वहीं इस मामले पर भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एसपीजी सुरक्षा को लेकर यूपीए के समय में भी इसे हटाए जाने की बात कही और सोनिया के बारे में कहा कि उन्होंने राजीव गांधी के हत्यारों की सजा भी कम कराई थी। इस पर राज्यसभा उपसभापति वेंकैया नायडू ने कहा कि इस तरह की बातों का उठाए जाने से आज के सवाल का